हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। आज हम देखने वाले हैं डिग्री एंड साइड्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है वो कितने डिग्री पे लगता है और ये कौन कौन सी साइड्स पे लगता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है ये मसल्स में दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि मसल्स में इसको कहीं पे भी लगाते हैं, इसकी प्रॉपर साइट है कि हम वहीं पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। अब कौन कौन सी साइट है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो टोटल जो इंट्रामस्कुलर होता है इसकी 5 साइट्स होती है, मतलब 5 ऐसी जगह होती है पूरे शरीर में जहां पे हम इंट्रामस्कुलरली जो इंजेक्शन है उसको दे सकते हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इसमें होता है डेल्टॉइड। अब जो डेल्टॉइड साइट होती है ये कहाँ पे होती है? डेल्टॉइड साइट होती है डेल्टॉइड मसल्स में, और डेल्टॉइड मसल्स कहाँ होती है? हमारे आर्म में। आर्म का जो ये हिस्सा होता है यहीं पे डेल्टॉइड मसल्स पाई जाती है, तो वहीं पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। अब किस जगह दिया जाता है, जैसे अगर हम देखें तो मान लीजिए ये आर्म है, ये एल्बो हो गया। अब डेल्टॉइड मसल्स पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टॉइड मसल्स ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जहाँ चाहे वहाँ इंजेक्शन लगा दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पे होता है एक्रोमियल प्रोसेस। जैसे अगर हम ऐसे देखें सिंपली, तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एक्रोमियल प्रोसेस। तो जो ये एक्रोमियल प्रोसेस होता है, यहाँ से थ्री फिंगर बिलो यहाँ से हम इस एरिया में कहीं पे भी इंजेक्शन दे सकते हैं। और अगर हम इसको इंचेस में देखें कि इंच में कितने मेजरमेंट में हम इसको दे सकते हैं, तो इसको हम 1 से लेकर 2 इंच बिलो एक्रोमियल प्रोसेस पे दे सकते हैं। अगर ये एक्रोमियल प्रोसेस है तो इससे 3 फिंगर या फिर 1 से 2 इंच नीचे, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा होगा इस एरिया पे हम क्या करते हैं, डेल्टॉइड जो मसल्स होती हैं वहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। अब ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों में जो चिल्ड्रन है उनको दे सकते हैं और एडल्ट को दे सकते हैं, लेकिन इन्फेंट को नहीं दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि जो इन्फेंट होते हैं उनको डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्शन हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ जो एडल्ट है सिर्फ उन्हीं को डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्शन दे सकते हैं इंट्रामस्कुलरली। अब अगर हम इसके एंगल की बात करें कि कितने एंगल पे ये दिया जाता है, तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का एंगल होता है वो 70° to 90° एंगल पे दिया जाता है। अगर हम 70° to 90° पे इंजेक्शन देते हैं तो वो डायरेक्ट मसल्स में जाएगा, लेकिन अगर हमारा एंगल 70° से कम है तो फिर वो मसल्स में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला जाएगा। तो इसलिए जो मसल्स के इंजेक्शन होते हैं इंट्रामस्कुलर जो हम देते हैं उनको हमेशा 70 से 90° के एंगल पे ही देते हैं। अब कोई एग्जैक्ट हमको 90° पे ही नहीं देना है कि बिल्कुल स्ट्रेट ही देना चाहिए, ये मेथड बताया जा रहा है कि अगर आपका 70 से लेकर 90° के एंगल पे आपका सिरिंज रहता है तो भी जो भी मेडिकेशन होगा, जो भी इंजेक्शन होगा वो अपनी सही जगह पे, मतलब कि मसल्स में चला जाएगा। लेकिन अगर 70 से कम है तो फिर वो मसल्स में नहीं जाएगा, बल्कि वो सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होते हैं वहां पे जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है ग्लूटियल। अब ग्लूटियल साइट कहाँ पे होती है? डेल्टॉइड तो हमने देखा कि ये अपर आर्म में होती है, लेकिन ग्लूटियल कहाँ पे होती है? ग्लूटियल होती है बटक्स में। अब जो ग्लूटियल है, जैसे कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स इंडिकेट किए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड हमने रखा है ग्लूटियल। तो आप इतना याद रखिए कि जो ग्लूटियल साइट है वहां पे इंजेक्शन देने के भी दो जगह है, दो साइट है जहां पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं और वो ग्लूटियल का ही हिस्सा है। तो कौन कौन से दो है? एक तो फर्स्ट है इसमें डार्सो ग्लूटियल एंड सेकेंड है वेंट्रो ग्लूटियल। अब अगर हम डार्सो ग्लूटियल की बात करें कि ये कहां पे होता है, तो जैसे अगर हम देखें ये बटक्स हो गया, तो अब बटक्स को हम 4 पार्ट में यहीं से डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे जो ये अपर आउटर साइड दिख रहा है, अपर आउटर क्वाड्रेंट दिख रहा है बटक्स का, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है? ये होता है ग्लूटियस मीडियस, मतलब डार्सो
ग्लूटियल साइड। तो यहाँ पे हम इंजेक्शन दे सकते हैं आराम से। इसको मेजर करने का ये तरीका होता है कि जो बटक से उसको हम इक्वल चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो अपर साइड ऊपर की तरफ और आउटर साइड जो भी एरिया आएगा यहीं पे हम आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। ग्लूटियस मीडियस क्या होती है, मसल्स होती है, और वहीं पे ये साइट होता है डार्सो ग्लूटियल, जहां पे हम क्या करते हैं इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो भी व्यक्ति है उसको दे सकते हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनमें हम इस साइट का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे मसल्स बहुत ज्यादा होती है, तो जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए हम इस साइट को प्रिफर करते हैं। इसके अलावा एक और साइट है जहाँ पे हम बच्चों के लिए या फिर जो इन्फेंट है उनके लिए साइट प्रिफर करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल कहाँ होता है, हमने डार्सोग्लूटियल तो देख लिया कि ये बटक्स का जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है वहां पे होता है। अब जो वेंट्रोग्लूटियल है ये कहाँ पे होता है, तो वेंट्रोग्लूटियल जस्ट इसी के नीचे होता है, ये वाला जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल। यहाँ पे होती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। तो ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स होती है यहाँ पे भी हम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो जो ग्लूटियल साइट होती है आईएम इंजेक्शन देने की, वहां पे दो जगह होती है जहां पे हम इंजेक्शन को दे सकते हैं, लेकिन जो ये ग्लूटियस मीडियस वाला साइट है ये सबसे सुपर होता है, सबसे बेस्ट होता है और सबसे सेफ होता है, क्योंकि जो सियाटिक नर्व होती है जो सबसे लंबी नर्व होती है शरीर की वो यहीं से ऐसे जाती है, इसीलिए इस नर्व को बचाने के लिए ही अधिकतर हम क्या करते हैं कि जो ग्लूटियस मीडियस साइट है यहाँ पे डार्सो ग्लूटियल साइट पे ही इंजेक्शन देते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए साइट के बारे में तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आप उसमें ग्लूटियो मीडियस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मसल्स है, हम लिखेंगे डार्सोग्लूटियल, डार्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल, जो किसके अंतर्गत आ रहा है, जो ग्लूटियल के अंतर्गत आ रहा है। डेल्टॉइड में क्या था, डेल्टॉइड में हमने देखा था कि सिर्फ आर्म में जो डेल्टॉइड मसल्स है वहीं पे एक इसकी साइड थी, यहाँ पे दो मिसले कह रहे हैं क्योंकि जो ग्लूटियल मसल्स है यहाँ पे जो ग्लूटियल मसल्स है उसमें जो अपर साइड है वो ग्लूटियस मीडियस है और जो थोड़ा सा उसके नीचे है वो क्या है, वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो इन दोनों में दो साइड देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 70 से 90 डिग्री के एंगल पे ही आईएम देते हैं। आईएम देने की जो डिग्री है वो चेंज नहीं होती है बल्कि सिर्फ साइड चेंज होते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है रेक्टस फिमोरिस। अब ये साइड कहाँ पे होती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रेक्टस फिमोरिस, फिमोरिस मतलब कि ये फीमर में ही होगी। जैसे डेल्टॉइड था तो डेल्टॉइड कहाँ थी, आर्म में थी, ग्लूटियल कहाँ था, बटक में था, उसी तरह से जो रेक्टस फिमोरिस है वो कहाँ पे होगी, फीमर में होगी। तो अगर हम इसको फिगर के थ्रू समझें, जैसे ये क्या है, ये थाई वाला पार्ट है, ये हो गया नी, ये हो गया थाई वाला पार्ट। तो अब हमको रेक्टस फिमोरिस देखना है कि रेक्टस फिमोरिस कहाँ पे होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि हम बहुत ही सिंपल मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं कि जो ये थाई वाला पार्ट है इसको पहले बीच से ऐसे डिवाइड कर लिए, उसके बाद इसको तीन बराबर बराबर भागों में बांट लिया, ये हो गया। उसके बाद अब हमको क्या देखना है, रेक्टस फिमोरिस ये क्या है, ये मसल्स है, रेक्टस फिमोरिस मसल्स है जिसके नाम पे ही इस साइड का नाम पड़ा है। तो अब ये साइड कहाँ पे मिलेगी, हमने ये पूरे छह पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसके बाद ये जो इनर पार्ट दिख रहा है, इनर थाई की तरफ ये जो पार्ट दिख रहा है यहीं पे होती है रेक्टस फिमोरिस मसल्स। तो जो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन होता है वो हम जब रेक्टस फिमोरिस साइड पे देंगे तो कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे। ये कहाँ पे होती है, ये जो मिड थाई होती है, मिड थाई में जो इनर वाला पार्ट होता है, इनर मिड थाई वाला जो पार्ट होता है वहां पे रेक्टस फिमोरिस मसल्स पाई जाती है और यहीं पे ये साइट होती है जहाँ पे हम इंट्रा मस्कुलरली जो बच्चा है उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। ये स्पेशली यूज की जाती है इन्फेंट में जिनको वैक्सीन लगाया जाता है। हमने पहले पढ़ा है कि जो डेल्टॉइड मसल्स है उसमें हम इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शन है वो इन्फेंट को नहीं देते हैं, सिर्फ हम बच्चों को देते हैं और एडल्ट को देते हैं लेकिन इन्फेंट को नहीं देते हैं। तो इन्फेंट के लिए कौन सी साइट प्रिफर करते हैं, इन्फेंट के लिए हम रेक्टस फिमोरिस साइट प्रिफर करते हैं इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है और साथ ही जो सियाटिक नर्व होती है वो भी इससे बहुत दूर होती है, क्योंकि ये साइट एंटीरियर की तरफ है और सियाटिक नर्व पोस्टीरियर की तरफ होती है। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है कि सियाटिक नर्व को किसी भी तरह से कोई नुकसान हो, इसलिए बच्चों में क्या होता है कि हम हमेशा इसी साइट को प्रिफर करते हैं, मतलब रेक्टस फिमोरिस को प्रिफर करते हैं और आईएम इंजेक्शन उसको देते हैं। इसके बाद लास्ट साइट होती है जिसको हम बोलते हैं वेंटस लैटरलिस, वेंटस लैटरलिस।
ये सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जितनी साइट यहाँ पे दी हुई है ये सभी एग्जाम में आती भी है। अधिकतर जो साइट आती है एग्जाम में वो रेक्टस मेमोरिस और वेंट्रस लैटरलिस ही आती है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रेक्टस मेमोरिस और कौन सा वेंट्रस लैटरलिस है। तो आप इसको इजिली याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जब आवाज आती है रेक्टस फिमोरिस की, तो फिमोरिस याद कर लीजिए मतलब फीमर। तो जो फीमर बोन है आप इजिली याद करिए कि जो फीमर बोन है, फीमर बोन में अंदर की तरफ क्या होगा? रेक्टस फिमोरिस होगा। उसके बाद जस्ट इसके आउटर साइड, जस्ट इसके अपोजिट ये जो आउटर साइड होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है वेंट्रस लैटरलिस। यहाँ पे होता है वेंट्रस लैटरलिस। तो इस तरह से आप बीजे याद कर सकते हैं मिड थाई में जो आउटर साइड पार्ट है वो क्या है? वो है वेंट्रस लैटरलिस। और जो मिड थाई में इनर की तरफ का पार्ट है वो क्या है? वो है रेक्टस फिमोरिस। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इनमें भी सेम वही चीज है जो ग्लूटियल मसल्स में थी। ग्लूटियल मसल्स में भी क्या था? थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और यहाँ पे भी जो रेक्टस फिमोरिस और वेंट्रस लैटरलिस है दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इनकी साइड में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम इनर की तरफ देखेंगे तो फिमोरिस आएगा, अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो लैटरलिस आएगा। अब आप इसको मेजर इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। इस तरह से अगर आप मेजर करके किसी को भी आईएम देते हैं, किसी भी बच्चे को देते हैं, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि जो आईएम इंजेक्शन होता है वो हम कितनी साइट में दे सकते हैं और किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो आईएम हमेशा 70 से 90 डिग्री के एंगल पे ही दिया जाता है। तो ये चार साइट होती हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। नेक्स्ट जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।